हेलो दोस्तों, मैं कल्पिता ब्यूटी नाइन से। आज मैं आपको बताऊंगी पिगमेंटेशन के लिए कुछ घरेलू उपाय। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट रेसिपी के लिए यहाँ पे हम लोग ले लेंगे एलोवेरा जेल और शहद। हमें सिर्फ करना इतना है कि इस एलोवेरा जेल में कुछ बूंदें जो है हनी की, मतलब शहद की, मिला लेनी है। हमने यहाँ पे दो बूंदें मिलाई है शहद की और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा जेल जो है तैयार है। दूसरी रेमेडी के लिए हम लोग यहाँ पे लेंगे एक टेबलस्पून, मतलब एक छोटा चम्मच हल्दी, और उसमें हम मिलाएंगे ये नींबू। देखते हैं कि हम ये कैसा पेस्ट बनेगा। आपको इसमें पूरा एक नींबू तो मिलाना ही है, क्योंकि ये पूरे तरीके से हल्दी हल्दी नहीं होना चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा पीलापन हो जाएगा आपकी स्किन में। तो ये मैंने इसमें जो है नींबू का रस मिला लिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारी हेल्प करेगा ये पिगमेंटेशन को दूर करने में। अब हम देखते हैं इसे लगाया कैसे जाता है। अब हम इस मिश्रण को जो है अपने चेहरे पर लगा लेंगे। हल्दी जो है एक बहुत ही पुराने जमाने से यूज किया हुआ जो है इंग्रेडिएंट है। इसमें जो भी इसकी क्वालिटीज है सारी हर्बल है, मतलब आयुर्वेदिक है। ये काफ़ी आयुर्वेदिक चीज़ों में यूज होता है या काफ़ी आयुर्वेदिक क्रीम्स में हल्दी यूज़ की जाती है। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है, हल्दी हमारी स्किन के लिए कैसे बेनिफिशियल है, क्योंकि ये हमारा जो पीएच लेवल है स्किन का, जो हर स्किन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, उसे ये मेंटेन करती है। और इसमें हमने लेमन मिलाया है जो हमारी स्किन को क्लीन करता है। और हल्दी हमारे जितने भी पिगमेंटेड पार्ट है या डार्क पार्ट्स हैं स्किन के, उन्हें लाइट करती है। हल्दी आप देख सकते हैं हर उपटन में यूज की जाती है ऑलमोस्ट। हमारा ये मिश्रण लगाकर हो गया है। अब हम इसे 15 मिनट तक रखेंगे और उसके बाद हम इसे गुनगुने पानी से धो लेंगे। ये है दोस्तों आफ्टर रिजल्ट। मैं अभी अपना चेहरा जो है गुनगुने पानी से धोकर आई हूँ। तो ये है मेरे हल्दी और नींबू के रस का जो मिश्रण मैंने तैयार किया था, उसका आफ्टर रिजल्ट। ये था दोस्तों आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस देख सकें। बाय।